सर की। दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ और मैं एडमिंटन से कॉल कर रहा हूँ राहुल को, जो विक्टोरिया में आ चुके हैं स्पाउस वीज़ा लेकर। और इनकी कहानी को मैं सबके सामने लाना चाहता था क्योंकि ये इंटरव्यू देकर आए हैं, टफ इंटरव्यू देकर आए हैं, और इनके मैरिज रिलेशंस को लेकर इनको बुलाया गया था। तो आओ उनसे कहानी पूछते हैं। मकसद हमारा सिर्फ ये इतना ही है कि स्पाउस इंटरव्यू में क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। राहुल, यू आर वेरी वेलकम। मैं पीछे देख रहा हूँ कि आप विक्टोरिया में बैठे हो, बादल घिरे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि दिल्ली से कैसा मौसम फर्क है, कैसा अच्छा लग रहा है आपको? दिल्ली जाने का मन कर रहा है कि ये ठीक है अब? सर बहुत ठीक है एक्चुअली, और मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। देखिए जी, पानी दिख रहा है, बोट्स दिख रही है, कुछ ना कुछ सब कोई कर रहा है। ऐसा व्यू तो दिल्ली वाले जाते हैं वहाँ? नहीं सर, कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, ऐसा व्यू मिल नहीं सकता, ऐसा कोई व्यू नहीं है सर। जी, तो बताएं राहुल, क्या क्या सिचुएशन है आपकी शादी की, क्या कॉम्प्लिकेशन थी, और आपकी कुछ फॉर्म्स में गलती भी कुछ हो गई थी, कंसल्टेंट ने करी थी बगैर उसका नाम लिए, बताएं कि क्या गलती थी और क्या मैरिज की कॉम्प्लिकेशन थी जिसको लेकर आपका एक स्पाउस इंटरव्यू का एक रिक्वेस्ट आया। जी एक्चुअली सर, दिस इज माय सेकंड मैरिज, और जो मेरे जो एजेंट थे जिन्होंने मेरा वर्क परमिट फाइल किया था, उन्होंने मेरा डिवोर्स डेट और मेरी मैरिज डेट सेम डेट पे अपना जो नोट उन्होंने एक बनाया था उस पे वो एरर कर दिया, एक क्लेरिकल एरर, जिसकी वजह से मेरी वो इंटरव्यू रिक्वेस्ट आई। बहुत सिली मिस्टेक उन्होंने करी, बट फॉर वीजा ऑफिसर यू नो इट माइट बी अ बिग थिंग। तो उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट लेटर भेजा दैट दे नीड माई रिलेशनशिप प्रूफ, आई नीड टू कम टू देयर यू नो एम्बेसी विद ऑल द रिलेशनशिप प्रूफ्स एंड जस्ट टू प्रूव दैट माई यू नो मैरिज इज रियल। तो फिर मैंने दोबारा उन्हीं एजेंट से बात करी और मैंने उनसे पूछा कि भाई ये मेरे पास इंटरव्यू रिक्वेस्ट आई है, नाउ व्हाट शुड आई डू। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, ये मोस्टली हर किसी को बुलाते ही हैं, आप इसमें सिर्फ जो आपके मैरिज के कुछ फोटोज हैं और दैट्स इट, वो सब आप ले जाइए, पूछेंगे आपसे कुछ फोटोज ले जाएं, कुछ फोटोज उनके ले जाएं, बाकी सब जी, कुछ फोटोज आप ले जाइए अगर ले जा सकते हैं तो, ज्यादा फोटोज मत लेके जाइएगा क्योंकि वो अंदर ले जाने भी नहीं देते हैं। और मैं आपको, अरे मैं भूल कैसे गया, वो उन्होंने बल्कि मुझे ये बोला फोटोज कम ले जाइएगा, अपने मोबाइल में फोटोज ज्यादा ले जाइएगा, मोबाइल में तो मोबाइल दिखा दीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना ये तो बिल्कुल ही उल्टा होता, बिल्कुल ही उल्टा ये हुआ, क्योंकि मोबाइल की फोटो को तो कोई मानते ही नहीं है ना, मोबाइल तो अंदर ले जाने देते ही नहीं है शायद, तो ये उन्होंने कैसे कह दिया? मोबाइल तो बाहर ही सबमिट कर लेते हैं ना, मोबाइल मेरा बाहर ही सबमिट हो गया। तो ये उन्हें मालूम नहीं था, इसका मतलब कि उन्हें मालूम नहीं था कि मोबाइल को ले जा, इस दैट मींस कि उन्होंने पहली बार शायद एक ऐसा स्पाउस वीज़ा इंटरव्यू देखा। ये लोग वहां पर कनाडा के लॉयर थे, कंसल्टेंट वहां दिल्ली के थे, कौन लोग थे वहां पर, नाम नहीं बताया शायद? ये कनाडा के लॉयर थे सर। अच्छा, कनाडा में ऑफिस है इनका, कनाडा के लॉयर थे, उन्होंने कहा था कि ये ऐसे देखिए। कई बार हम लोग बोलते हैं एक्चुअली, यहाँ पर भी कई बार मैंने भी बोला है इस पे, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा भी बोलती है कि आपको केस कराना है तो कनाडा के जो लाइसेंस्ड जो लोग हैं, जो जैसे ICCRC हैं और जो वकील हैं जिन्होंने यहाँ पढ़ाइयाँ करी हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करी हैं, उनसे केस लगवाएं तो कम से कम वो हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में मैं एक शायद बयान दे चुका हूँ, कई लोगों ने मेरे को कहा भी आपने कैसे कह दिया ये, मैंने कहा था कि जितने भी लॉयर्स हैं यहाँ पर, जितने करीब करीब 7,000 से 8,000 लॉयर्स हैं कनाडा में, और उसमें से हार्डली 10% हैं जो इमिग्रेशन का काम करते हैं, जानते हैं, उनमें से भी उन 10% में से सारे स्पाउस वीजा का काम नहीं करते, मतलब कोई अपील करता है, कोई रेफ्यूजी करता है, कोई कुछ करता है। तो स्पाउस वीजा के बारे में जो रोज की डे टू डे उसमें बारीकियां हैं, उसमें से उनके पास इतना नॉलेज। एनीवे, फिर क्या हुआ आपका जब स्पाउस वीजा इंटरव्यू आया तो कैसे गए आप, क्या हुआ वहां पर इंटरव्यू के इसमें क्या हुआ? मैं सर्च करता रहता था क्योंकि मेरा उनसे तो विश्वास उड़ गया था, तो मैं यूट्यूब पे और ऑनलाइन में बहुत सर्च करने लग गया। तो फिर मेरे को आपका चैनल मिला, मैंने आपकी जितनी वीडियोस थी सारी वीडियोस देख डाली, फिर उसके बाद मैंने आपको अप्रोच किया, मेरी आपसे बात हुई, तो फिर आपने सुखमनजी जी से इंट्रोड्यूस कराया। इट्स यू नो इट्स बिकॉज ऑफ दैट गाय एंड बिकॉज ऑफ हिज हैंड होल्डिंग आई वुड से दैट आई एम हियर, आई एम सिटिंग हियर। क्या हुआ कि जब, और आप लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि वाइफ को भी वहाँ पे होना चाहिए,
तो हमने बोला यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है. पहले हम ये सोच रहे थे यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, टिकट के पैसे लगेंगे, आने के जाने के पैसे लगेंगे, इट्स अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, जॉब है, यू नो, ये तो ठीक नहीं है, कैसे हो पाएगा ये. बट यू नो वी फाइनली डिसाइडेड वी हैव टू यू नो ट्रस्ट यू ब्लाइंडली. तो फिर मैंने इनको बोला कि नहीं तुम आ जाओ. हम इंटरव्यू के दिन गए वहाँ पे, अपनी शादी के एल्बम लेके गए, जो जो आपने मेरे को बोला था सारा मटेरियल में लेके गए. आपने अपनी वीडियो में एक बात बोली थी कि लैला मजनू में भी बहुत प्यार होगा, मगर वो प्यार जो है ना वो उनको प्रूव करना पड़ेगा. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. अगर 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 लैला मजनू के पास अपनी पूरी कहानी लिखी नहीं है कि वो कब मिले, कौन से दरिया पार करके गए, तो हो सकता है उसका भी वो कह दें कि आपका प्यार झूठा है. 100% they will reject, बोलेंगे आपकी मैरिज फेक है, इट्स नॉट रियल. जी सही. तो अब वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ. तो मैं जब वहाँ पे एंटर मैंने किया तो मेरे साथ मेरे वाइफ ने भी एंटर किया. तो दैट वाज अ लेडी, यू नो, शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड टू द पॉइंट. तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ के, हमें अब देख के बोला राहुल कौन है. तो मैंने बोला अच्छा ऑब्वियसली राहुल कौन है. हां ठीक है. तो शी सेड ये कौन है. मैंने बोला शी इज माय वाइफ. ये पूरा अपना ना चूड़ा वूड़ा पहन के, हमारी नई शादी हुई है, चूड़ा वूड़ा पहन के सब कुछ अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड होके गई. तो उन्होंने बोला इनको यू गो आउट, इनको बाहर भेज दे, बाहर बैठो. जी खड़ी हो गई. तो मेरे से फिर उन्होंने सवाल जवाब स्टार्ट किए. तो उन्होंने हिंदी में बात करनी स्टार्ट की. तो मैं अपने साथ ट्रांसलेटर भी लेके गया था, सो दैट देयर इज नो यू नो इंटरप्रेटर लेके गया था, कोई लैंग्वेज बैरियर ना हो, कोई ऐसी बात उनकी ना हो जो मेरे को समझ में ना आए. तो इन्होंने जब हिंदी में बात करी तो इंटरप्रेटर को बोला बाहर जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है. तो मैंने उनसे बात शुरू की. तो उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ जी आप, पहला सवाल उन्होंने पूछा, आप लोग कहाँ मिले और कब मिले. तो अब मैं तो प्रिपेयर्ड होके गया था. जो मेरे जो एजेंट थे जिन्होंने, एक बार रुक जाए यहाँ पर, रुक जाए. ये जो पहला सवाल है, हो सकता है कि पहले सवाल को भी हम लोगों ने आपसे तैयारी कराई होगी कि ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में जो हमारे पास, हमने जो मॉक इंटरव्यू करा था, तो ये सवाल जरूर हमने किया, टच किया होगा. 100% किया था सर. 100% टच किया. ठीक है, आगे आगे बताएं फिर क्या हुआ, फिर क्या जवाब दिया आपने. और वो होता है ना सर कि मैच चल रहा है तो पहली बॉल में बंदा ना कई बार आउट हो जाता है, बड़ी एक्सपेक्टेशन. अगर मैं आप लोगों से करके नहीं गया होता, अगर मेरी बुद्धि का मैंने प्रयोग नहीं किया होता, तो मैं इस पहली बॉल में आउट हो जाता. क्योंकि और जो मेरे भाई साहब एजेंट, उन्होंने तो बोला कैसा कुछ नहीं होगा, मैं रिलेशनशिप प्रूफ करना है. अब देखिए, चाहे जितना भी कैसा भी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ हम लोग साथ में रह रहे हैं, ये याद नहीं है कि परसों क्या खाया हमने. आप मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब बात है. तो ये कैसे याद होगा कब मिले थे और कौन सी तारीख को मिले थे और मैंने क्या पहना था, उन्होंने क्या पहना था. इट्स नॉट अ मूवी, इट्स रियल लाइफ. बंदा भूल जाता है, बट दे वांट टू नो अबाउट इट. ठीक है जी, मैंने बता दिया मैं इस तारीख को ऐसे ऐसे इनसे मिला था. फिर उन्होंने पूछा, ठीक है शादी कब हुई. शादी ऐसे हुई, वो कनाडा में क्या करते हैं. मैंने बोला जॉब करते हैं. कनाडा में कहाँ गए, कहाँ पे रहते हैं. मैंने बोला यहाँ रहते हैं. कनाडा से अब कब आए, लेटेस्ट कब आए. मैंने कहा मैम बाहर हैं अभी आइए. ओके कौन सी फ्लाइट से आइए. मैंने बोला ये फ्लाइट से है एयर कनाडा से. ये फ्लाइट डायरेक्ट है या मतलब वाया फ्लाइट है. तो मैंने बोला इट्स अ वाया फ्लाइट. कहाँ से वाया है. मैंने बोला एक स्टॉप. कितने घंटे का स्टॉप था. मैंने बोला स्टॉप था. ओके यहाँ पे कितने बजे लैंड हुए. मैंने कहा इतने बजे लैंड हुए. लेने कौन गया. मैंने कहा मैं लेने गया. आप लोग कहाँ रह रहे हैं अभी. तो मैंने बोला मेरे घर पे रह रहे हैं. ओके ग्रेट. फिर हमारी शादी के एल्बम की बात हुई. शादी के एल्बम दिखाई मैंने. तो मेरे से उन्होंने बोला मेरे से लोग आइडेंटिफाई करें ये बंदा कौन है. मैंने बोला ये इनकी मौसी हैं, ये इनकी मम्मी, ये इनके ब्रदर हैं, ये इनका ये है, ये वो है. तो वो जाने के बाद ना उन्होंने बोला एल्बम मेरी तरफ घुमाओ. 4-5 पेज रैंडमली उन्होंने बोला पीछे करो. फिर दोबारा से वही बंदे के बारे में पूछा ये बंदा कौन है. तो मैंने बोला मैंने आपको बताया ये इनका भाई है. तो उन्होंने बोला ऑल राइट. फिर उसके बाद फिर बात हुई कि वहाँ पे कनाडा में क्या करते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, वर्किंग आवर्स कितने हैं उनके, ऑफिस कैसे जाते हैं, कहाँ रहते हैं, अपार्टमेंट है या बेसमेंट है, उनकी सैलरी कितनी है, यू नो
एंड कोई प्रूफ है आपके पास उनके एम्प्लॉयमेंट का वहाँ पे, तो मैं इनका ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप्स वगैरह लेके गया था, तो मैंने उनको वो भी दिखा दिया कि जी ये है मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। फिर मतलब काफ़ी देर तक ये सिलसिला चला, तकरीबन आधे घंटे तक, मेरे को तो याद भी नहीं। उसके बाद भी मेरे जो पेपर्स थे उन पेपर्स में एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था। कौन सा? माय डिवोर्स डिक्री ऑफ माय प्रीवियस मैरिज वाज मिसिंग। जी जी। वो आज तक सर आप यकीन मानेंगे, हम मैंने दूसरी शादी कर ली, लाइफ में मूव ऑन हो गया, मैंने अपने जितने भी पेपर्स थे यू नो सारे पेपर्स इंक्लूडिंग बैंक्स, मैंने हर जगह अपनी वाइफ का नाम ऐड किया है, आज तक कोई भी बंदा ना ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि मेरे पास जो पेपर्स थे वो एफिडेविट है या डिक्री। बट दैट लेडी यू नो उन्होंने मुझे बताया दैट दिस इज एन एफिडेविट ऑफ डिवोर्स दैट यू हैव, दिस इज नॉट अ डिग्री। तो मेरे को तो ये भी कहती है, मेरे को तो ये भी श्योर नहीं है कि आपकी पिछली डिवोर्स हुआ भी है कि नहीं हुआ है। यू आर मतलब आप सही बोल रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बट आई नीड दैट डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने बोला I need the document. This is the mail ID, and you need to submit me this document within 30 days, so that I can take any further step. सही बात। तुमने बताया मेरा नाम चेंज हुआ है उसपे, वो चेक करने के बाद में। Yeah. फिर उन्होंने बोला कि ये जो किसपे? तुमने बोला इसी पेपर के बेसिस पे। Yeah. Yes. मैंने उनको बोला कि ये जो affidavit है मैम, मेरी वाइफ का नाम था पहले उस पासपोर्ट पे, पहले वाले पासपोर्ट पे। वो जो पुराने पासपोर्ट पे, तो उन्होंने बोला कि आपकी वाइफ का पासपोर्ट का नाम हट गया इस एफिडेविट के बेसिस पे, मैं मान ही नहीं सकती। शी सेड, मैंने कहा मैम ट्रस्ट मी, मेरे पास सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मैंने पासपोर्ट ऑफिस जाके उनका नाम हटवाया है। फिर उन्होंने वो गई, मतलब बड़े एकदम ना गुस्से में आ गई वो पेपर उठा के, और वो ना शी वेंट समवेयर चेक करने के लिए, पता नहीं वो कहाँ गई अपने बैकएंड में या कहीं पे भी। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने वैलिडेट किया कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ। तो उन्होंने देख लिया होगा शायद कि जेन्युइनली मैंने सिर्फ ये एफिडेविट ही दिया था और कुछ नहीं दिया, तो समहाउ शी फेल्ट दैट ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है। तो उन्होंने मेरे को बोला दैट आई गिव यू 30 days टाइम, एंड मेरे को आप ये डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, देन आई विल बी एबल टू यू नो टेक एनी फर्दर एक्शन ऑन इट। तभी मैं बहुत घबरा गया एकदम। फिर मैंने सुखमन जी से बात की, तो उन्होंने बोला दैट यू डोंट नीड टू वरी, ओनली व्हेन दे आर कन्विंस्ड दे आस्क फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज दे डोंट। फिर मैं डॉक्यूमेंट अरेंज किया, मैं गया लखनऊ, वहाँ से डॉक्यूमेंट लाया, मेल किया। फिर वो मेल करने के बाद भी सर क्या हुआ कि कोई जवाब नहीं आया। महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इंडिया में लॉकडाउन लग गया, मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है मेरे साथ ना। और जाके ही मेरे पास मेल आया, मैंने मेरा इंटरव्यू हुआ था जनवरी में, मेरा इंटरव्यू हुआ था जनवरी में, मेरा मेल आया सर सितंबर में, अप्रैल में मेरा मेल आया और मेरा वीजा आया सितंबर में। तो जो मेल आया 4 महीने बाद, वो क्या मेल आया? दैट योर वीजा इज यू नो अप्रूव्ड, मेडिकल रिक्वेस्ट आया। अच्छा, मेडिकल रिक्वेस्ट, मेडिकल रिक्वेस्ट आया। जी जी जी, चलो 4 महीने लग गए उनको सोचते हुए, जब आपने भेजा 30 दिन के से भेजा तब करते करते वो 4 महीने में लग गया, चलो इस ओके। पर बड़ी हैरानी वाली बात है कि एफिडेविट के बेस पे भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट से उन्होंने आपके सारे पासपोर्ट के नाम चेंज कर दिए, वर्क कर दिए विदाउट इवन अ फाइनल डिक्री ऑफ द डिवोर्स, ये लोग कैसे कर देते हैं, बड़ी हैरत की बात है। लेकिन ये वीजा ऑफिसर तो रोचा काम है, उनको पता होता है कि डिक्री क्या है। सेकेंड मैरिज ऑल्सो, सेकेंड मैरिज पे तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट यही मांगते हैं, प्रीवियस मैरिज के जो डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब दीजिए। मैंने हर जगह से यही पेपर्स दिए हैं, माई मैरिज इज रजिस्टर्ड। अच्छा मेरी, अच्छा क्यों एक इंटरव्यू का कॉल, ये भी एक रीज़न हो सकता है, मेरी जो मैरिज है हम लोगों ने गाजियाबाद में मैरिज करी थी, नोएडा में, हमने नोएडा में जाके मैरिज करी है यूपी के अंदर। वो तो इसलिए थी ना क्योंकि आप भी इस दिल्ली के रहने वाले हो, आप भी उस एरिया में रहते थे ना शायद। तो आप, वो तो पहले भी हम लोग शायद इस पे डिस्कस कर चुके थे, तो आपका उस एरिया में जाके मैरिज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि अवेलेबिलिटी हो सकती है, मंदिर पास हो सकता है, जो भी कुछ है। तो ऐसी वो कोई बड़ी बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि एक तो सेकंड मैरिज है आपकी और दूसरा वो जो क्लरिकल मिस्टेक है उससे थोड़ा सा ये है कि वाकई आपकी जो मतलब उसमें क्या चक्कर क्या है, व्हाट इज द रियल डेट ऑफ डिवोर्स एंड व्हाट इज द रियल डेट ऑफ मैरिज। तो वो बाकी इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे गए?
जब उसने कहा कि आप ये भेज दो मेरे को 30 डेज के अंदर, उसके बाद इंटरव्यू खत्म? हाँ, उसके बाद इंटरव्यू खत्म, मतलब जो उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा, एक तो शायद वो कन्विंस हो गए थे ये देखे कि वाइफ यहीं पे ही है, मैं इनके पासपोर्ट यहीं पर रोक दूं आपको। जो आपने कहा, आप पहले भी सोच रहे थे कि क्यों बुलाएं, खर्चा हो जाएगा वगैरह हो जाएगा, लेकिन आप भी अब मान गए और आप ये चश्मदीद वो उसमें आप गवाह हो यहाँ पर कि वाइफ का वहां पर हाजिर होना और उसको नोटिस करना, देख के कुछ ना कुछ तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है कि नहीं? सर, आई थिंक 99% इंटरव्यू वाज ओवर, उनको समझ में आ गया था कि वाइफ आई है, वाइफ आई है और बंदी मतलब उठ के कनाडा से यहाँ पे आ गई है। ये मैं राहुल, बहुत लोगों को मैंने, पंजाब के लोगों को कहा है कि भी अपनी वाइफ को बुला लो, वही बहाना क्या रीजन बोलते हैं, ओ नहीं जी की करना, अच्छा डो जी खर्चा बहुत हो जाएगा जी, की करेगी आके जी, जॉब चली जाएगी, इतने आके की होएगा, की करना जी, रहन दो। 90% लोगों ने मेरे को मना कर दिया कि नहीं जी ऐसे नहीं बुलाना वाइफ नु, की करना। पर आपने वो स्टेप लिया और आपने फील किया, आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि उस एडवाइस को मतलब कि आपके कामयाब हो गई और उसको आपने वो फील किया कि उसका कोई रिजल्ट आ गया। और जैसे आपने आपने बोला पहली बॉल पे छक्का तो वहीं लग गया जब उसने वाइफ को देख लिया उसने। और क्या हुआ कि उस वक्त तो देखिए बहुत बर्डन लगता है कि भैया $1,200 जाना, $1,200 आना, उस वक्त बहुत बर्डन लगता है, बट जस्ट यू नो ओन जस्ट बिकॉज ऑफ $2,500 or $3,000 मेरा फ़ायदा कितना हो गया, नहीं तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता कि मैं अभी तक वहाँ बैठा रहता। और अपील करते तो अपील के $10,000-$15,000 लग जाती। मेरे को पता है कि जब आपकी वाइफ यहाँ से फ्लाई कर रही थी, मेरी उससे शाम के टाइम यहाँ से बात हो रही थी कि अभी तो कहाँ पहुँची है, दिल्ली पहुँच गई, क्या हुआ, पहुँच रही है, टैक्सी लेके जा रही हूँ। मेरे को जब वो पहुँची है उसके एक आध दिन बाद ही इंटरव्यू था शायद। यस एग्जैक्टली, याद है या, मेरे को याद है उसका कि जब वो यहाँ से जा रही थी, जब दिल्ली पहुँची थी उसके उसी दिन या एक आध दिन बाद इंटरव्यू था और वो थकी हुई थी या समथिंग है, तो वो था। तो ये जरूर आपको फायदा हो गया। और क्या चीज ऐसी खास चीज आपने नोटिस करी जो मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे लेकिन बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन वो आपको फलीभूत हुआ वहां पर? सर देखिए, सबसे पहला तो यही कि वाइफ वहां पे आई, दूसरा तो उनके बहुत जो छोटे छोटे सवाल होते हैं ना, जैसे मैं पहला ही सवाल, मान लीजिए कोई भी बंदा है अब वो जा रहा है वैसे मुंह उठा के इंटरव्यू देने के लिए चला गया, उससे पहला सवाल ही उन्होंने ये पूछ लिया कि भाई कब मिले और कहाँ मिले ये बताओ। 99 राहुल, मेरी शादी को तो बहुत साल हो गए हैं, मेरे को खुद नहीं पता आपने मैं कब मिला कहाँ मिला जी, और क्या पहना था उन्होंने, ओह माय गॉड, हमें तो आज का हमें तो ये नहीं पता कि मेरी बीवी ने कल क्या पहना था, हमें ना, मैं नाम भूल जाता हूँ कभी कभी नाम क्या मेरी वाइफ का, वो तो इतनी बार सुखमन जी ने रटा रटा के मेरे को भेजा है कि भाई ये बोलना है, दीवारों के कलर तक उन्होंने मेरे को याद कराए कमरे में कौन सा कलर, क्योंकि इट्स अ फैक्ट दैट वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। एंड पहले इसमें तो खुद ही कह रहा हूँ सर, अगर मेरे से ये पहला सवाल ही पूछ लेते तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता, मैं तो यही बोलता मैम मेरे को तो याद नहीं मेरे को कब मिले थे, हम कहाँ मिले थे, भाई मेरी शादी जेन्युइन है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। बट यू नो even if you are in a true relationship, in you are in a genuine relationship, aapko wahan pe jaake apne relation ko prove karna padega. badi badi hairani wali baat hai rahul ke dekho, agar mere ko apni biwi ki dress yaad nahi hai, agar time yaad nahi hai, mauka ya din yaad nahi hai, that means ki mera pyar jhoota hai. badi hairani ye actually main aapko reality bata raha hu, log hanste hai is baat mein ki bhai ye kaise, magar kisi ke paas hazaron 10,000 photos ho, चारों हनीमून की फोटोज हो, बैंक अकाउंट हो, फलाना कार्ड हो, राशन कार्ड, सब कुछ, सब जॉइंट है, हर कुछ जॉइंट है, लेकिन अगर मेरे को अगर एक चीज याद नहीं है, मैं आपको अब नाम नहीं ले सकता आपको वीडियो पे, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे थे मेरे जहां पर क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ कहां मिले एंगेजमेंट में या कहीं किसी ऐसी मैरिज से पहले मिले और उनको कोई मिठाई दी गई, मिठाई खिलाई गई उन्होंने ससुराल वालों ने कि लो जी मुंह मिठा करो, अब हस्बैंड को पूछा कि कौन सी मिठाई खाई आपने, तो हस्बैंड ने कह दिया शायद बर्फी, और वाइफ को अलग से ले जाके पूछा, वो कहते जी बर्फी नहीं, लगता है कि कोई वो थी लड्डू था या बेसन का कुछ था, अब दोनों के उसमें फर्क हो गया, और जबकि मैरिज को अली मतलब के 2-3 साल भी नहीं हुए थे, शायद 3 साल भी नहीं हुए थे मैरिज को, तो दोनों की मिठाई में फर्क हो गया कि वो कह रहा है कुछ और खिलाया, ये कह रहा है, उसने कह दिया वीजा ऑफिसर ने तुम्हारा प्यार झूठा, सॉरी रिफ्यूजल, चाहे आप बड़ी बड़ी कस्में खा लो, चाहे बड़े बड़े आप ड्रामे कर लो, चाहे बड़े हनीमून की फोटो कर लो मलेशिया की,
थाईलैंड की, वो कहते तेरा प्यार झूठा क्योंकि तेरे को ये याद ही नहीं है कि तुमने खाया क्या। तो इसमें एक्चुअली थोड़ी मेमोरी और प्लानिंग की जरूरत है, तभी ये इंटरव्यू स्पेशली, जो मैं कई बार मैं कह चुका हूँ कि इंटरव्यू जब आता है आपका, तब आपको ये क्वेश्चन, जैसे एक वो होता है ना चिट एग्जामिनेशन के पहले एक वो क्वेश्चन रिलीज होते हैं, क्या कहते हैं इसको, चीट शीट कहते हैं जो, क्या कहते हैं इसको, फर्रा है वो जब तक उसके क्वेश्चंस ऐसे लिखकर और आपके कुछ याद नहीं करोगे, तब तक यू आर राइट कि क्लीन बोल्ड पहले सवाल में हो जाओगे। और यहाँ पर तो ये है कि इंटरव्यू ये जिंदगी में दोबारा नहीं आती, ये इंटरव्यू लाइफ में एक बार आती है, और अगर पहले झटके में अगर आपने लगा कि आपको बेसिक सवाल पता नहीं है तो आप गए, बस गए वहां से, वो डाउन है लेवल, नीचे नीचे जाओगे, ऊपर नहीं जाओगे फिर वहां से। That lady was so sharp के उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी शादी में कितने लोग आए थे, तो मैंने बोला मैम अराउंड, उन्होंने बोला कि कौन सा बैंकेट हॉल था, मैंने उनको बैंकेट हॉल का नाम बताया, उन्होंने मुझे बोल दिया कि अच्छा ये वो जो गाजियाबाद में वो जो पुल के नीचे बैंकेट है अभी नया बना है। मैंने कहा जी बिल्कुल वही है। हो सकता है कि वहीं रहती हो, आसपास कहीं रहती हो, वो उसके बाल कटे थे क्या, कैसी थी वो? हां जी बाल कटे थे, बाल कटे वाले थे, हो सकता है आसपास कहीं रहती हो, वो मेरे को पता है कि लोकल ऑफिसर है, वो कनाडा की नहीं है, वो है शायद, व्हिच आई मे बी रॉन्ग, है शायद इंडिया की लोकल लैंग्वेज ऑफिसर है, तो उसका काम ही ये मेरे ख्याल है कि काफी मैरिज के वो केसेस को एक्सेप्ट कर, तो भी धीरे धीरे सब कुछ वो याद आ रहा है ना, जैसे ही रूम से जब मेरा इंटरव्यू था तो कोइंसिडेंस था कि सेम इंटरप्रेटर था, जो एक बंदा निकल रहा था और जो मैं था, जब वो जो बंदा निकल रहा था वो अकेला निकला, उसके हाथ में कुछ पेपर्स एल्बम्स थे, तो वो इंटरप्रेटर मिले, वो शी वाज वेरी नाइस, तो उन्होंने मेरे को बोला ये इस लेडी में ये इन दिस केबिन यू नो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट ऑफिसर, शी इज़ अ फीमेल ऑफिसर, अभी अभी ये जो जा वीज़ा इन्होंने रिफ्यूज़ किया है कुछ जो रीज़न होगा, शी वाज नॉट कन्विंस्ड, उनका बहुत बड़ी शादी की एल्बम थी अपनी ना, बहुत बड़ी एल्बम एक अलग से लेके वो आए थे, बड़ा हैवी सा बैग था, बट ही वॉज अलोन, तो वो पता नहीं क्या हुआ उनको, वो फिर हमने टैटू करा रखे थे अपने अपने, मैंने और मेरी वाइफ ने ना एक दूसरे का नाम हमने टैटू करा रखे हैं, वो फोटो दिखाई, वो मैंने टैटू दिखाया, उन्होंने बोला हाँ, मेरे को बोला आपने एनिवर्सरी पे क्या गिफ्ट दिया, मैंने कहा टैटू दिखा दिया मैंने, मैंने कहा मैम मैंने ये टैटू उनको गिफ्ट किया, ओके। फिर हमारे फेसबुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारे फेसबुक के जो प्रिंट आउट्स हैं, जो फेसबुक के हम जो हमारी चैट्स हैं पुरानी, जो हमारी पुरानी ईमेल की चैट्स हैं, फेसबुक पे हम फ्रेंड्स बने, हमारे कॉमन फ्रेंड्स कितने हैं, हमारी व्हाट्सअप चैट्स जो हम आपस में बात करते हैं जब ये वहाँ पे थी, जब ये कनाडा में थी, इंडिया में था, हमारी वीडियो कॉल्स के प्रिंट आउट, जो जो मेरे को बोला था सुखमन जी ने, वो एक एक पेपर का मैं प्रिंट आउट लेके गया था, वो सारी जो हमारी चैट्स हैं ना, वो सारी चैट्स सब में बहुत बड़ी यू नो देयर वर लॉट ऑफ पेपर्स, पूरी एक पेपर रिम थी उसके अंदर सारे हमारे यही सब डॉक्यूमेंट्स, सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम के, उसके वो सब देख के भी उनको ना बहुत तसल्ली मिल गई, क्योंकि इतना सब कुछ तो आप रिलेशनशिप में फेक नहीं कर सकते ना, आप सोशल मीडिया हिस्ट्री में जाके यू कांट फेक इट, तो वो उससे बहुत फर्क। वो कई लोग एक्चुअली जो फोन पे इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हैं, फिर वो मैं बड़ी हंसी आती है, कई बार लोग कहते हैं जी हमारा फोन टूट गया जी, हमने फोन चेंज कर लिया जी, हमारे पास कुछ है ही नहीं अब। How is it possible, sir? अगर वाइफ भी हैं, हम लोग आपस में कोई कॉमेडी है, कुछ कुछ है, कोई आर्टिकल है, एक दूसरे से देखिए शेयर तो करते हैं, व्हाट्सएप में तो बात करते ही है ना कि भाई क्या खा लिया, खाना बनाया घर पे, आए कहाँ हो, फोन नहीं उठाया, मतलब चलो मैं मान गया फोन चेंज हो गया, फोन टूट गया, कुछ हो गया, जो भी कुछ हो गया, फोन पानी में गिर गया, आई कैन अंडरस्टैंड, पर जो कुछ है लेकिन उसको वो प्रिंट कराने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं क्या क्या जरूरत है जी, हम तो फोन दिखा देंगे जी, मेरे पास कई बार लोग कहते हैं जी मैंने तो जी कुछ बनाया नहीं जी, वीडियो फिल्म बन रही थी जी, मैंने वीडियो फिल्म दिखानी थी, वो ना देखी नहीं, तो मेरे को वापस कर दिया। अब बेसिक बातें हैं तो वो, अब हमें उनके हिसाब से वीज़ा अफसर के कायदे कानून से चलना पड़ेगा अगर हमें वीज़ा चाहिए, ना कि हम अपनी कन्वीनियंस देखें हमारे पास क्या है और क्या नहीं दिखाना। बड़ा अच्छा लगा मेरे को आपसे पता करके। और कुछ चीज़ जो याद आ रही है पुरानी, जो जो लोग मतलब आपके थ्रू, मतलब जो लोग आपके वीडियोस अभी देख रहे हैं, जो सुनते हैं, आपकी जो ऑडियंस है, जैसे मैं भी बहुत सारी वीडियोस आपकी देखता था, मैं ना मगर डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि लगता है यार पैसे, वो सारी बात तो देखिए पैसे की, यार पैसे खर्च करूं, यार इंटरव्यू ही तो है, बस मैं दे दूंगा जाके, और मेरी तो वाइफ है, मैं प्रूफ कर दूंगा जाके, यार कोई दिक्कत नहीं, पैसे बचा लेता हूँ, मगर
ये समझना चाहिए, जो लोग सुन रहे हैं मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, आप ये समझे कि आपने अभी तक अपना ब्रेन यूज किया है और आपके जो एजेंट है उसका ब्रेन यूज किया है, तो ये नौबत आ गई है भाई साहब, इंटरव्यू कॉल आ गई है, यहाँ से आगे ना अपना दिमाग यूज मत करो, यू नो दे शुड गेट इन टच विद यू। एंड ये ऐसी एक सेगमेंट है, यहाँ पे ना पैसे का मुंह देखना क्या कोई फायदा नहीं, बिकॉज अभी मैंने आपको जो व्यू दिखाया ना, ये जब आप व्यू देखेंगे ना तो वो जितने भी पैसे और वो सब है ना वो सब आप भूल जाएंगे, बिकॉज दिस इज कैनेडा इज हेवन, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वो जितना भी पेन है वो सेक्रीफाइस है ना आप सब भूल जाएंगे जैसे ही यहाँ पे आएंगे, तो उसमें दिमाग लगाना नहीं है राहुल। पहली बात तो मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करता, कोई आए ना आए, वी डोंट केयर, वी हैव इनफ इंक्वायरीज, तो हम किसी को अट्रैक्ट करने की ज्यादा कोशिश करते भी नहीं है, पहली बात ये है। दूसरी बात चक्कर मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये स्पाउस जो होता है वीजा जो होता है, एक बार रिफ्यूज हो गया तो दोबारा इसको लेना बहुत मुश्किल, और इंटरव्यू के बाद अगर इंटरव्यू में रिफ्यूज हो गया तो इसको दोबारा से इसको यू टर्न करवाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कि मतलब वो जो तीसरा जो वीजा ऑफिसर है, जैसे पहली बार आप विजिटर वीजा रिफ्यूज हो गए, ये सेकंड में अगर रिफ्यूज हो गए, जो तीसरा जो आपका वीजा का जो चांस आएगा, तो उसमें उनकी ओपिनियन को मोल्ड करना इट्स लिटरली इम्पॉसिबल, आई मीन आई हैव सीन वेरी फ्यू केसेस, लिटरली मुश्किल होता है, तो उसमें फिर होना नहीं। और बाकी जो हस्बैंड वाइफ दूर रह रहे हैं, सपोज आपने कुछ पैसे दिए इंटरव्यू तैयारी के लिए, ठीक है, लेकिन जो अगर आपका वीजा नहीं लगा और जो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से जुदा होकर रहने पड़ा, उसकी कीमत क्या है सर? उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है कोई, आप पैसे से उसका मोल लगा ही नहीं सकते। हम तो इतना भी खुश थे कि चलो इसी बहाने आ तो रही है, हम मिल तो लेंगे, एक साल के बाद हम मिल रहे थे, आ जाएंगे वहां जाएंगे। सो आई मीन पैसे का मुंह देखने वाली तो सर कोई बात नहीं है, और मेरे शायद लाइफ का सबसे, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, आप तो आप मतलब मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं, मैं ना हर रोज जब भी रोज सुबह उठता हूँ ना मैं बोलता हूँ यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो आई रियली थैंक यू नो सुखमनजीत एंड ऑफकोर्स यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर उस दिन आप लोग मुझे प्रिपेयर नहीं कराते, मैंने ना ब्लैंक जाना था वहाँ पे, और मेरे जेनवनली कुछ मेमोरी का भी प्रॉब्लम है ना, बहुत जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ, वो मेरे को जो जो बातें पूछी ना मेरे को कुछ भी याद रहती नहीं। मैंने लाइफ में पहली बार तो इनके रिश्तेदारों के नाम मैंने पढ़े, चाचा जी का नाम, ताऊ जी का नाम, फलाने का नाम याद करना, ये बच्चा कौन है क्या है, जिनकी वैल्यू नहीं थी ना लाइफ में, एकदम से उनकी वैल्यू पता लगी कि ओ यार ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट लोग है। एक चीज आपने और जरूर जिक्र करी है, थोड़ा सा आपने बताया कि जैसे आपने फोटोज दिखाई, उसमें उन्होंने पूछ लिया कि ये फोटो में ये कौन है वो कौन है। हम लोग कई बार लोगों को कहते हैं, जैसे स्पाउस वीजा में जब आप फोटोज दे रहे हैं तो एक एक फोटो के नीचे लिखें भाई ये फोटो कब ली गई, इसमें कौन कौन है, क्या हो रहा है, आप कॉफी पी रहे हो, आप शादी में गए हो, शॉपिंग गए हो, हनीमून गए हो, वो लिखते हैं, लेकिन लोग लिखते नहीं है, वो कहते हैं क्या करना है, इतनी मेहनत कौन करेगा, हजार फोटो लिखते रहेंगे तो एक महीना लग जाएगा लिखते हैं, पर वो मेहनत करना चाहते नहीं, वो हमसे ये कहते हैं बस वीजा दिलवा दो किसी तरह, लेकिन वो अपनी मेहनत नहीं करना चाहते। सबसे ईजी सर ये है कि जब जो जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है उनका, फेसबुक फ्रेंड्स बने होंगे, जब वो फेसबुक फ्रेंड्स बने हैं तो कहीं पे गए होंगे, आपस में एक दूसरे को टैग किया होगा, किसी कॉमन जगह पे गए होंगे, तो हम लोगों ने क्या किया था, जैसे आप लोगों ने सजेस्ट किया, तो वो डेट्स वाले जो प्रिंट आउट आते हैं ना फेसबुक के, हम पूरा कलर प्रिंट आउट लेकर गए थे, तो वो जैसे ना हमारा फेसबुक पेज पेपर पे उनके सामने था, तो वो बड़ी आराम से वो स्क्रॉल करके सब कुछ देख सकते थे कि हाँ भाई अच्छा ठीक है, ये लास्ट एनिवर्सरी पे इन्होंने ऐसा सेलिब्रेट किया, इस रेस्टोरेंट में गए थे, ये फैमिली के साथ इस ट्रिप पे गए थे, यू नो, तो वो एक हनीमून, हाँ पूछा हनीमून पे कहाँ गए थे आप लोग, कैसे गए थे पे? तो बहुत बारीक बारीक चीजें हैं जो अगर मैं अपने कंसल्टेंट के भरोसे जाता तो सर बस मेरे को खुद नहीं पता क्या होता। कंसल्टेंट नहीं, जो लॉयर है, जो कनाडा के जो वकील के भरोसे जाते हैं, या लॉयर, और ये आपको वकील का नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं पूछूंगा भी नहीं, ये वकील का ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पर बैठे हैं कनाडा में अभी? वैनकूवर में बैठे, जिस एरिया में आप आए हो वहीं बैठे हैं, उसके बाद and he's a very top, and I can tell you that he's a very top lawyer, you know, बड़ा आलीशान ऑफिसर, वो सब बहुत जबरदस्त है, but unfortunately शायद जो उनके जो स्टाफ में क्या होता है कि सर मैंने उनकी गुडविल को देखकर अपना केस उनको दिया, आगे उन्होंने अपने किसी टीम मेंबर जो उनका कोई जूनियर है, मैं भी कौन है उनकी टीम में, वो उस बंदे ने वो मेरी फाइल लगा दी, तो वेरी कन्वीनियंटली यू नो ही सेड दैट
वो ना इनसे टाइपिंग ना मिस्टेक हो गई, मेरे जूनियर से ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई बॉस, टाइपिंग मिस्टेक आपसे हुई, मेरे तो पूरे करियर को आपने दांव पे लगा दिया ना एक मिनट में। जी 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 या एक्चुअली क्या है कि वेबसाइट देख के और बड़े आलिशान ऑफिस देख के नाम देख के अंदाजा नहीं कर सकते हम ये डॉक्टर अच्छा है, सर्जरी अच्छी कर लेगा बचा लेगा, लेकिन उनको तो बस ये है कि हमने कर दिया। और इसके बारे में कई बार हमने जिक्र भी किया है कि आप किसी भी लॉयर के पास जाते हो तो काफी सवाल पूछने चाहिए, पहले तो एक सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई लॉयर साहब ये काम आप खुद करोगे या कोई और करेगा, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर वो खुद नहीं कर रहे हैं तो डेट मीन्स के ऐसा ही चीज हो सकती है और असिस्टेंट्स को पता नहीं। और पर अल्टीमेटली उन लॉयर ने ये आपसे ये भी कहा था ना कि इंटरव्यू कोई बहुत मामूली इंटरव्यू है, कोई जिसमें होने वाला नहीं है, इवेंचुअली उन्होंने ये भी कहा था। फिर सर जो मैं से ये कह रहा है, अपना फोन ले जाना अंदर, फोन दिखा देना अपना, चैट्स वगैरह दिखाना अपनी, कोई इशू नहीं, चैट्स दिखा देना। और मैं पता नहीं, और मैं आपसे बात करके नहीं जाता तो मैं तो आज तक ही सोचता हूँ कि मैं ना रातों को उठ जाता हूँ कभी कभी ना सोते सोते, एकदम लगता है, डर लगता है, मैं ना जैसे खुद देख लिया, मैं यार अगर मैंने ऐसे कर लिया था तो मेरा क्या होता। उन्होंने बोला फोन अंदर और कोई इशू नहीं है, फोन दिखा देना उनको बस। फिर आप बस फिर वो नामी ग्रामी वकील का क्या हुआ जो कह रहे हैं कि फोन दिखा देना, जब आपका फोन ही बाहर आ जाएगा तो फिर इतने बड़े आलीशान ऑफिस का क्या क्या हुआ। ग्रामी वकील ने पैसे लेने तक हमसे बात करी बस, बाकी तो फिर असिस्टेंट जूनियर्स ने ही बात करी उसके बाद ना। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, उसके बाद तो बात ही नहीं करी, उसके बाद तो जो उनके जूनियर्स हैं तो वही सब कुछ डील कर रहे थे, अब वो क्या उनका आपस में क्या। राहुल मेरे को ये बताएं, आखिरी चीज बताएं कि आप दिल्ली में क्या करते थे पहले वहां पर और आजकल क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। दिल्ली में सर मैं काफी टाइम मैंने अपना बिजनेस किया है वहां पे, आई वाज रनिंग अ कॉल सेंटर और हमारा फैमिली बिजनेस है। नाउ आई एम वर्किंग विद माय वाइफ यू नो इन हर ऑफिस, यहां पे एक फास्ट फूड चेन है तो हम वहां पे जॉब कर रहे हैं जी, एंड वी बोथ वर्क इन सेम ऑफिस, वी आर वेरी हैप्पी। एंड अच्छी बात है, आगे 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 क्या प्लानिंग है, पीआर बनने का क्या आप दिख रहा है आपको, क्या ऑप्शन दिख रहा है, कैसे बन रहे हैं पीआर आप? सर वो तो हमारा ऑलरेडी सब कुछ अप्लाइड है। अच्छा, इन 2 इयर्स ऑलरेडी और कोविड है इंडिया में, सब कुछ बंद है। अच्छा तो अच्छा, वाइफ की तरफ से, वाइफ की तरफ से, वाइफ जी, वाइफ सब तरफ से, अच्छा वाइफ तरफ से, ठीक ठीक। सो वो सब कुछ ऑलरेडी हो ही रखा है, इनफैक्ट हम तो रोज यही सोचते हैं कि बस कब यहां पे अब पीआर कार्ड आए और घर-बार अपना लें एंड यू नो वी स्टार्ट आवर लाइफ जी। अब ये बताएं कि आप दिल्ली से आए हैं और कितने साल वहां पर रहे हैं, आपने अपना बिजनेस भी किया है और वगैरह, अभी आप आजकल विक्टोरिया में जमे हुए हैं, तो अब दिल्ली जाने का ख्याल है दोबारा कि दिल्ली जाके भारत माता की सेवा करनी है, वहां रहना है कुछ, वहां उसका क्या ख्याल है आपको? एक सेकंड सर रुकिए, ये बात तो मैं, ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ और ये बात मैं आपसे आप बताइए कि मुझे जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए। सर जी वो आप सर जी, अब इसके बारे में मैं अपना व्यू क्या कहूँ, आप बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हो, विक्टोरिया में तो काफी हमने सुना है, विक्टोरिया में आज तक कभी गया नहीं, लेकिन मैं अभी अगले महीने जैसे मैंने आपको बताया कि मैं उस तरफ आऊंगा तो हो सकता है कि आपके आपसे भी मिलूं, तो विक्टोरिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी है और सुनते हैं, काफी आकर्षक जगह है और यू नो इट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप। ये तो ये है कि देखो इंडिया से, अब बड़ी हैरानी की वाली बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि स्पाउस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा और ये विजिटर वीजा, ये सारे टेम्पररी वीजा हैं। टेम्पररी वीजा मतलब कि जितना आपकी वैलिडिटी होती है, जितना आपके बुला रहा है, जैसे एक साल दो साल की मिलता है और उसके बाद हमारी एक अजम्पशन होती है कि आप वापस जाएंगे, लेकिन आज तक मैंने कोई इंसान देखा नहीं जो वापस गया हो यहाँ से, ना स्टूडेंट, ना वर्क परमिट वाले, और विजिटर वीजा वाले भी कभी कभी ललचा जाते हैं कि आप एक बार आ गए हैं दोबारा क्या जाएं। तो ये कंट्री ऐसी है कि सबको लुभा लेती है, और आजकल तो ये है कि हमें तो कॉल्स आती हैं ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से भी वो आती हैं कि बोलते हैं जी उस कंट्री में कुछ नहीं रखा, जो रखा है वो कनाडा में ही है, मरना है जीना हमें कनाडा में, अपनी मुक्ति मिले को मिलेगी, कनाडा बुला लो किसी तरीके से। देखिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, मेरा बहुत ग्रेटिट्यूड है इंडिया के लिए भी, क्योंकि मैं जिंदगी भर वहाँ रहा हूँ। इंडिया इज अ कंट्री, पीपल, वी ऑल आर वेरी गुड, यू नो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं वहाँ पे, सब कुछ बहुत बढ़िया इंडिया में भी, बट देखिए जॉब्स नहीं है यहाँ पे। मैं आया, मेरे को सिर्फ वो क्वारंटीन का ही एक वो पीरियड था जब मुझे सिर्फ अपने घर पे बैठना पड़ा, उसके बाद आई हैव यू नो जॉब, नेक्स्ट डे मेरी जॉब लग गई, उसके बाद भी आज की डेट में भी सर आई हैव एटलीस्ट 3 जॉब ऑफर्स, यू नो
अब कर रहा हूँ, 3 जॉब ऑफर्स मेरे पास हैं, इट्स माई चॉइस कि मुझे कहाँ काम करना है, मुझे कहाँ काम नहीं करना है. यू नो दिस वॉज नॉट देयर इन इंडिया. मतलब बहुत बहुत परेशानी, बहुत जॉब करने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ता था. बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे आप सुबह जाएँ शाम को आए, शाम को आके आप अपना फ़ोन ऑफ कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई अच्छा ट्रैफिक नहीं है गुड़गांव में. अगर आप जॉब करते हैं और दिल्ली वहाँ पे आ रहे हैं तो 2-2.5 घंटे तो आप गाड़ी चलाते रहेंगे. सो यहाँ पे आप वॉकिंग जाइए, पैदल जाइए ऑफिस, पैदल वापस आ जाइए, शाम को फैमिली के साथ निकलिए, नज़ारे इंजॉय कीजिए. जब आप जाओगे ना वहाँ पे तो आप जब सांस लोगे ना आप ना ले पाओगे अंदर तक. जब आप इंडिया में जब जैसे सुबह सुबह हम 6 बजे तड़के उठते हैं ना किसी गार्डन वार्डन में जाते हैं तो जब गांव एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे सांस लेते हैं ना बिल्कुल खींच के अंदर तक, आप वो लोगे ना वो फील होगा. एंड ही वाज राइट, एक्चुअली में ऐसा होता है. जो मतलब अगर दिल्ली में मैं रहा हूँ इतने साल, दिल्ली में आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि पॉल्यूशन है, गॉड नोस क्या. दिल्ली में सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे यहाँ तो ये है कि यहाँ तो आप ये है जैसे योगी रामदेव जैसे यहाँ पर प्राणायाम करो, यहाँ पर खींच खींच लंबे लंबे तो आपके जरा जरा वायुमंडल से ऑक्सीजन जाके आपके जो जो फेफड़े को सशक्त करे, जरा हवा अच्छी अच्छी फेंके, जरा लंग्स स्ट्रांग हो. मैं आई एम थैंकफुल कि मैं ऐसी जॉब में हूँ, मैं बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ दिन में. आई हैव सीन यू नो आई हैव फ्रेंड्स हु आर 75-80 इयर्स ओल्ड, दे कम एवरी डे यू नो एंड they're very active as compared to people in India in the same age bracket. मतलब वो सारा अपना काम खुद करते हैं. मतलब क्या बोलूँ सर, words. Yeah, ये तो बात है. जो जो एक 75 साल का 80 साल का जो एक यहाँ पर जो जो citizen है, यहाँ का रहने वाला जो resident है, वो compared to the 75 and 80 years old in Delhi, उसमें जमीन आसमान का फर्क है. Sir, I lost my father last year. He was just 59. You know. Oh, okay. हर चीज देखिए, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम हो चुका है, हार्ड वाटर है इतना, एयर का प्रॉब्लम है घरों में, अब एयर प्योरीफायर्स की जरूरत पड़ने लग गई है, वाटर प्योरीफायर एडवांस लेवल के आ गए हैं जो 2-2.5 लाख के आते हैं. यहाँ पे वो सबके पैसे नहीं है, यहाँ पे पानी पीते हैं हम वो जो टैप वाटर है वो सभी वही पीते हैं जी, बिकॉज क्लीन. सर जी, फर्क है. It was the best decision of my life, one of the best decisions of my life. जब मैंने ये सोचा था कि मैं आपके YouTube के जितने भी आपके क्लाइंट्स थे ना, मैंने उनकी सारी सबकी वीडियोस ना कम से कम 3-3, 4-4 मेरे को उनके केस याद हो गए थे. अच्छा. मुझे वो याद हो गया था कि इस बंदे का ऐसा हुआ था, ऐसा होता, मैं क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहा था एक्चुअली. अच्छा. बट आई एम ग्लैड कि मैंने वो डिसीजन लिया. और चलो, किस्मत आपकी है सर जी, ये तो बहाना बन जाता है, किस्मत आपकी है, दाना पानी आपका लिखा था तो ऐसा कुछ संजोग सा बन जाता है, दो लोग चलते चलते राहगीर मिल जाते हैं जो साथ पकड़ लेते हैं. बाकी किस्मत में आपका आना लिखा था यहाँ पर और दाना पानी था आपका, सो यू आर हियर. सो आई अप्रिशिएट योर कॉल और आई अप्रिशिएट योर कॉन्ट्रीब्यूशन. हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि इंटरव्यू में क्या एक्सपेक्टेशन हो है क्या वीज़ा ऑफिसर की, और क्या आपको एक क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपने बताया अच्छी तरह. और आजकल स्पाउस वीज़ा काफ़ी लगे हुए हैं और कुछों के इंटरव्यू आ रहे हैं, तो उसके हवाले से मैं लोगों को बताना चाहता था कि इंटरव्यू की सेंसिटिविटी क्या है और इंटरव्यू में आपको मतलब कि किस चीज़ों का ध्यान रखना है. और आपने कई तरीके से आपने गागर में सागर उड़ेल दिया आपने. और देखिए आपने ये तो फूल अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे तो फूल तो एडमिंटन में भी नहीं है यार भाई, आप तो दिखा रहे हैं वहां से. ये तो वो उसकी बिल्डिंग दिख रही है, लेजिस्लेचर की बिल्डिंग है शायद, डाउनटाउन की पीछे. या दिस इज एम्प्रेस होटल एंड दिस इज डाउनटाउन बिल्डिंग. मैं आपकी जितने भी ऑडियंस है ना, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ दैट यू नो आप बिल्कुल ज्यादा दिमाग मत लगाइए. अगर आपका इंटरव्यू कॉल आ गया ना, यू हैव टू गेट इन टच विद मिस्टर अमरजोत एंड यू नो सुखमनजीत, क्योंकि अकेले नहीं हो पाएगा ये. मतलब दे नीड योर हेल्प and it'll be a very wise decision if they take it. ठीक है, चलो. Thank you, Rahul. Thank you very much. और जैसे मैंने आपको बताया था कि
हम लोग भी सब परिवार वहाँ पर, मैं वैंकूवर जा रहा हूँ अगले फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, तो और अगर अगर समय मिलता है तो जरूर मुलाकात के लिए समय निकालें, देखते हैं मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर वाइफ वन मोर टाइम, एंड आई होप टू सी यू समटाइम।